नमस्कार, मैं हूं आपके साथ रोहित। आप देख रहे हैं एनएफ न्यूज। प्रभु श्री राम का भव्य और दिव्य मंदिर अयोध्या में बनकर तैयार है। 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा होनी है, जिसके लिए साधु संतों और विशेष अतिथियों को निमंत्रण भेज दिया गया है। बाकी लोगों से निवेदन किया गया है कि अयोध्या न पहुंचें और अपने ही आसपास के मंदिरों में 22 जनवरी को पूजा पाठ करें, क्योंकि अयोध्या में सुरक्षा व्यवस्था का मसला है। पीएम मोदी ने आमजन से अपील की है कि 22 जनवरी को अपने घर से एक दिया राम के नाम जलाएं और अयोध्या 22-23 जनवरी के बाद आएं। सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है। मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए। हालांकि इस बीच ऐसी खबरें भी आ रही हैं कि कई राम भक्त अयोध्या जाने की तैयारी में हैं। ऐसे ही बुलंदशहर के 3 दोस्त भी हैं जो अयोध्या पहुंचने वाले हैं। अब ये 3 दोस्त 15 दिसंबर से ही सफर पर निकल चुके हैं और दंडवत यात्रा कर रहे हैं। जी हाँ, बुलंदशहर के शेखपुर गढ़वा निवासी मनीष, दुष्यंत और विजय 15 दिसंबर को अयोध्या के लिए निकल चुके हैं। सबसे विशेष ये है कि तीनों दोस्त 600 किलोमीटर की दंडवत यात्रा कर रहे हैं। मनीष प्राइवेट जॉब कर रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें छुट्टी लेनी थी। हालांकि ऑफिस से छुट्टी नहीं मिली तो जॉब तक छोड़नी पड़ी। कैसे कर रहे हैं यात्रा? एक बाइक को रथ बनाकर तैयार किया है, प्रभु श्री राम की तस्वीर लगाई है, कुछ खाने का सामान रखा है। रास्ते में लोग उनकी मदद कर रहे हैं। 15 जनवरी को वो अयोध्या पहुंच जाएंगे। प्रभु श्री राम के दर्शन के लिए मनीष, दुष्यंत और विजय ने जिस तरह की हिम्मत दिखाई है, वो ये बताने के लिए काफी है कि सदियों का जो इंतजार पूरा हुआ है, उससे हर एक चेहरे पर खुशी छाई है। बहरहाल 15 जनवरी को अयोध्या पहुंचने के बाद तीनों दोस्त रामलला के दर्शन करेंगे और फिर वापस आ जाएंगे, क्योंकि 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा के दिन अयोध्या में रुकना संभव नहीं हो पाएगा। योगी सरकार का आदेश है कि 22 जनवरी को सभी होटलों, धर्मशालाओं की बुकिंग को कैंसिल किया जाए। जिन्होंने 22 जनवरी प्राण प्रतिष्ठा समारोह के लिए स्थानीय होटलों और धर्मशालाओं को बुक किया कर लिया है, उसको भी निरस्त किया जाए, जिससे शासन प्रशासन को कोई परेशानी ना हो। 22 जनवरी को अयोध्या में कार्यक्रम। मुहूर्त 22 जनवरी को दोपहर 12 बजे के आसपास होगा। कार सेवकपुरम में 1000 लोगों के रुकने की व्यवस्था की गई है, जिन्हें निमंत्रण दिया गया है। नृत्य गोपाल दास के योग और प्राकृतिक केंद्र में भी रुकने की व्यवस्था की गई है। अयोध्या के निवासी मंदिर और आश्रम आने वाले मेहमानों को रहने में मदद करेंगे। अयोध्या नगर के हर कोने में लंगर, भोजनालय, भंडारा, अन्य क्षेत्र चलेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम योगी आदित्यनाथ कार्यक्रम में मौजूद रहेंगे। पूरी अयोध्या छावनी में तब्दील रहेगी। ऐसे में अगर आप भी 22 जनवरी को अयोध्या जाने की सोच रहे हैं और निमंत्रण नहीं मिला है, तो अपने कार्यक्रम को कैंसिल कर दीजिए और अयोध्या मत जाइए, क्योंकि पीएम मोदी ने भी यही कहा है कि अयोध्या में 22 जनवरी को रुकने की इजाजत नहीं है। उसके बाद आप अयोध्या आइए और रामलला के दर्शन कीजिए। फिलहाल पीएम मोदी ने क्या कुछ कहा है वो सुन लीजिए, और बुलंदशहर के इन 3 दोस्तों को लेकर आपकी राय क्या है कमेंट करके हमें जरूर बताएं। साथियों, ये ऐतिहासिक क्षण, बहुत भाग्य से हम सभी के जीवन में आया है। हमें देश के लिए नव संकल्प लेना है, खुद को नई ऊर्जा से भरना है। इसके लिए 22 जनवरी को आप सभी अपने घरों में, मैं पूरे देश के 140 करोड़ देशवासियों को अयोध्या की इस पवित्र भूमि से प्रार्थना कर रहा हूं, अयोध्या की प्रभु राम की नगरी से प्रार्थना कर रहा हूं, मैं 140 करोड़ देशवासियों को हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि आप 22 जनवरी को जब अयोध्या में प्रभु राम विराजमान हो, अपने घरों में भी श्री राम ज्योति जलाएं, दीपावली मनाएं। 22 जनवरी की शाम पूरे हिंदुस्तान में जगमग जगमग होनी चाहिए। लेकिन साथ ही मेरे सभी देशवासियों से
एक करबद्ध प्रार्थना और भी है। हर किसी की इच्छा है कि 22 जनवरी को होने वाले आयोजन का साक्षी बनने के लिए वो स्वयं अयोध्या आए, लेकिन आप भी जानते हैं कि हर किसी का आना संभव नहीं है। अयोध्या में सबका पहुंचना बहुत मुश्किल है और इसलिए सभी राम भक्तों को, देश भर के राम भक्तों को, उत्तर प्रदेश के विशेष करके राम भक्तों को मेरा हाथ जोड़ करके प्रणाम के साथ प्रार्थना है, मेरा आग्रह है कि 22 जनवरी को एक बार विधि पूर्वक कार्यक्रम हो जाने के बाद 23 तारीख के बाद अपनी सुविधा के अनुसार वो अयोध्या आए। अयोध्या आने का मन 22 तारीख को न बनाए, प्रभु राम जी को तकलीफ हो, ऐसा हम भक्त कभी कर नहीं सकते हैं। प्रभु राम जी पधार रहे हैं तो हम भी कुछ दिन इंतजार करें, 550 साल इंतजार किया है, कुछ दिन और इंतजार कीजिए। और इसलिए सुरक्षा के लिहाज से, व्यवस्था के लिहाज से मेरी आप सबसे बार बार प्रार्थना है कि कृपा करके, क्योंकि आप प्रभु राम के दर्शन, अयोध्या का नव्य भव्य दिव्य मंदिर आने वाली सदियों तक दर्शन के लिए उपलब्ध है। आप जनवरी में आए, फरवरी में आए, मार्च में आए, एक साल के बाद आए, दो साल के बाद आए, मंदिर है ही, और इसलिए 22 जनवरी को यहां पहुंचने के लिए भीड़भाड़ करने से आप बचिए, ताकि यहां जो व्यवस्था है, मंदिर के जो व्यवस्थापक लोग हैं, मंदिर का जो ट्रस्ट है, हमें इतना पवित्र काम उन्होंने किया है, इतनी मेहनत करके किया है, पिछले 3-4 साल से दिन रात काम किया है, उनको हमारी तरफ से कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। और इसलिए मैं बार बार आग्रह करता हूं कि 22 को यहां पहुंचने का प्रयास हम न करें। कुछ ही लोगों को निमंत्रण गया है, वे लोग आएंगे, और 23 के बाद सारे देशवासियों के लिए आना बड़ा सरल हो जाएगा।